नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार राणा और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। टोटल 1054 पोस्ट हैं, यानी कि 1054 पोस्ट हैं मिल रही है। और क्वालिफ़िकेशन क्या है? सिर्फ 10th पास, तो बहुत अच्छा मौका है। A to Z से लेकर, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सिलेक्शन कैसे होती है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, टोटल मार्क्स आपको कितने चाहिए, कट ऑफ कितना जा सकता है, पिछले साल कट ऑफ कितना गया था, और इसमें सिलेबस में हम कह सकते हैं कि करें तो क्या करें, इसका पैटर्न क्या है, और किस किस सिलेबस को कंप्लीट करें और उसी के बेसिस पे तैयारी कैसे करें। तो हम आपको 10th क्लास के बेस में एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं, तो आपका उसके एग्ज़ाम में हेल्प होगी या नहीं होगी, बहुत सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम आपको बता दूं, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं जिनको आप जानना बहुत ज़रूरी है। कृपया करके हम एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को कम्प्लीट देखें और इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1054 पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 10th पास है रिक्वायरमेंट। और आप लोगों को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट से जाएंगे तो आपको यहाँ से वेबसाइट पे नीचे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका भी लिंक दे दिया, वेबसाइट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्स में, और यहाँ से आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आया जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ एजेंसी से आया हुआ है 1054 पोस्ट। और आपको यहाँ पर देखिए, पोस्ट नाम जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंस एक्सक्यूटिव है, ठीक है। और यहाँ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होगा, और जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया लेबोरेटरी है, ठीक है। ये पूरे ऑल इंडिया में फिलअप किया जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका। और इसका चार्ज मैं बता दूँ तो ये 50 रुपया मात्र आपको लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन मात्र 50 रुपया है, तो अच्छा मौका है दोस्त, कर लो। चलिए आगे की बात करते हैं। एग्ज़ाम लोकेशन जो होगा वो आपके एरिया में होगा, ठीक है, वो आप ही के स्टेट में होगा। और एडमिट कार्ड जो डेट है, अपडेट सुन लिखा रहा है, लेकिन हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। और जेंडर में मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्ज़ाम होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, स्पोकन एबिलिटी होगा, इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट होगा। इसमें Tier 3 तक जाएगा, ठीक है। Tier 1 में एग्ज़ाम होगा आपका, Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव क्या होगा मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में देखिए, यहाँ पर एग्ज़ाम डिटेल्स जो यहाँ पर दे रहा है वो Tier 1 एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जो टोटल मार्क्स 100 का होगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन भी 100 होगा, और टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन होगा, और लॉजिकल जो कि लॉजिक से होगा वो 20 क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश पेपर जो होगा आपका 20 क्वेश्चन होगा। ये 10th लेवल पे आया है वैकेंसी, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और Tier 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो टोटल मार्क्स 40 होगा, और टाइम जो होगा 1 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डिटेल्स की बात करें तो Tier 3 एग्ज़ाम टाइप इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जो आपको चाहिए, 10th पास चाहिए सर्टिफिकेट, और आपको अपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि कोई भी लैंग्वेज, यानी कि आपके एरिया के लैंग्वेज आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा बिहार है तो बिहार का पूरी नॉलेज होना चाहिए, एरिया का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो है भाषा, आगे चल के मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। और जो एज लिमिट चाहिए वो 27 ईयर तक चाहिए, मैंने पहले भी बता चुका एज लिमिट 27। और ST SC के लिए कुछ छूट है, वो 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 ईयर की छूट है, और डिपार्टमेंट है तो 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जो फ़ी होगा आपको 50 रुपया, ये तो मैं थंबनेल में भी लगा चुका। और ST SC एक्स सर्विसेज ओमेन के लिए नो फी लगेगा, ठीक है, यानी कि ओमेन्स यानी कि महिला जो भर सकती है, और ST SC के लिए फ़ी नहीं लगेगा। और इम्पोर्टेंट डेट जो है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 20 अक्टूबर, यानी कि 20 अक्टूबर से चालू हो चुका है दोस्त, और 10 नवंबर को बंद हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखते हुए 10 ही नवंबर तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे आपको बताएंगे दो चीज़ जो कि नेक्स्ट पेज में है, ठीक है।
आगे जो है वो है, देखिए यहाँ पर आपका एरिया वाइज, एरिया वाइज यानी कि आप जो जो भी एरिया से फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे यहाँ पर है अगर तल्ला से, तो आपको लोकल लैंग्वेज आपको ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर तल्ला से, यहाँ पर अगर तल्ला से है वो आपको लोकल लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज क्या है, देखिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो लोकल लैंग्वेज है बंगला, मिथाई, कोबड़ू, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है OBC, NON-OBC, ST, SC के लिए टोटल इतना सीट वैकेंसी दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आगे डिस्क्रिप्टिव पोस्ट की बात करूँ तो, और इसमें एक बात बता दूँ, इसमें जो आपको पे होगा, वो पे जो मिलेगा वो आपको 5200 से लेकर 2000, यानी कि 5200 से लेके 20200 विथ ग्रेड पे है, ठीक है। विद ग्रेड पे 2000 है, ठीक है। आगे इसका और भी प्रमोशन होगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा ज़्यादा रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर 20,000 से आपको 30,000, 40,000 तक जा सकता है। बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्त, ठीक है। आप जल्दी से अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सोचो मत, और भी चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है। और भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करें, और मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि किस तरह से आप इसे तैयारी करें और कौन कौन से पैटर्न है इसके, ठीक है। और पैटर्न की बात करें तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर GD की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेवी की तैयारी भी किए हैं, या फिर कर चुके हैं, तो उसी के आधार पर और 10th में ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते थे उसी को टॉपिक पकड़िए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में बताया था, डिस्क्रिप्टिव एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आए, ठीक है। यही आपको यहाँ पर मिलेगा Tier 3 के लिए, Tier 2 के लिए, ठीक है। Tier 2 के लिए जो है यहाँ पर यही है, Tier 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप। देखिए ट्रांसलेशन जो पैसेज होगा वो 500 वर्ड का होगा फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, ठीक है। लोकल लैंग्वेज इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, अगर लोकल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो आपको 40 मार्क्स का होगा, और स्पोकन एबिलिटी 10 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। यही आपको मेन करना है फोकस, ठीक है। यानी कि आपको जिस भी ब्रांच से भर रहे हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से ही भरिए, जैसे देखिए दिल्ली से भर रहे हैं तो दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये तीनों आपको जाना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हिंदी जाने, या फिर पंजाबी, या फिर उर्दू, तीनों में से कोई एक तो ज़रूर जानना, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को एंड करते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें, क्योंकि नए नए अपडेट मैं लाता रहूँगा और जॉब से रिलेटेड लाता ही रहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद, जय भारत।